नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र की ताजा खबरें। छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जयंती है, 392 जयंती मनाई जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा को लगा झटका, शिवसेना को मिली राहत। बीएमसी वार्डों की संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका हुई खारिज। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश में करोड़पति परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा मुंबई से। महाराष्ट्र में कोरोना समाप्ति की ओर, पिछले 24 घंटे में 2068 नए मामले सामने आए, वहीं 15 लोगों की मृत्यु हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे की निजी आवास मातोश्री के 4 लोगों के खिलाफ ईडी का नोटिस तैयार, बोले नारायण राणे। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में शर्मनाक घटना सामने आ रही है, 6 वर्षीय लड़की के साथ चलती ट्रेन में किए रेप। रेल पटरी के पास बने झोपड़पट्टी धारकों के पुनर्वास के लिए गृह निर्माण विभाग तैयार, बोले जितेंद्र वाड़। वहीं महाराष्ट्र के थाने में बर्ड फ्लू की दस्तक, जिलाधिकारी ने बचाव के लिए जारी किया अधिसूचना, कहा डरने की कोई बात नहीं। वहीं महाराष्ट्र के रजनी सेठ बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, संजय पांडे की जगह संभाली जिम्मेदारी। मुंबई में साइबर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर बैंक खाते खुलवाने वाले गिरफ्तार। बेस्ट बसों के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, चलो ऐप के माध्यम से रूट परिवर्तन की मिलेगी जानकारी। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं थाने में नेपाली गायिका के पति ने थाने के एक व्यक्ति को ठगे लाखों रुपए, किडनी के बदले 4 करोड़ रुपए दिलाने का किया था वादा। मुंबई में नारायण राणे के जूहू इलाके में स्थित मौजूद बंगले का निरीक्षण के लिए बीएमसी ने भेजा नोटिस। मुंबई महाराष्ट्र में आज भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। फिलहाल मुंबई लोकल ट्रेन समान तरीके से चल रही, सिर्फ 2 डोज वाले को अनुमति दी जा रही है। आप देख रहे हैं एसपीओ अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।